हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है भाविन और आपका स्वागत है मेरी चैनल बीके टेक्निकल में। तो भाई, ये वाले वीडियो में मैं आपको बिनोमो की एक और नई स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी जो है काफ़ी आसान है, बिगिनर लेवल वाली है। एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे। तो भाई, आज वाले वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा कि भाई किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी यूज़ करना है, किस तरह से आपको सिग्नल कैच करना है, किस तरह से सिग्नल मिलेगा, और भाई उसके बाद मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई स्ट्रेटेजी काफ़ी आसान है, आप बड़े से बड़ा प्रॉफिट भी ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा पूरा का पूरा वीडियो। आप वीडियो पूरे एंड तक देखना, तभी आपको मालूम चलेगा कि भाई किस तरह से सिग्नल मिलेगा, कौन सी वाली स्ट्रेटजी है। काफ़ी आसान है, 100% गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही नए नए वीडियो देखना चाहते हो मेरी चैनल के ऊपर तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ट्रेडिंग से रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज आते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन कर जरूर से प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो भाई जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना कि आपको बिनोमो के ऊपर और भी वीडियोस चाहिए या नहीं, तो मुझे मालूम चलेगा रिस्पांस। तो भाई अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा चलते लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई किस तरह से स्ट्रेटजी यूज़ करना है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि भाई ये वाली वीडियो में हम बिनोमो के ऊपर एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी है, काफ़ी इजी है, बिगिनर लेवल वाली है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और भी देखो, यहाँ पर मेरे लैपटॉप के ऊपर मैंने मेरा अकाउंट ओपन करके रखा है और भाई रियल अकाउंट में 67,150 रुपीज़। तो आज के वीडियो में वैसे मैं लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं यहाँ पर स्ट्रेटजी के ऊपर। तो भाई देखो, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, आप अगर मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जाना है यहाँ पर और इंडिकेटर वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर यूज़ करना है पैराबोलिक सार। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है पैराबोलिक सार का। आपको कुछ यहाँ पर एडिट वगैरह करना नहीं है, जैसा का वैसा है, वैसा ही छोड़ देना और सीधा अप्लाई कर लेना। चाहो तो आप कलर चेंज कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर ये स्काई ब्लू वाला कलर यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो ये हो गया, तो मैं आपको कैंसिल करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो आपको या डॉट डॉट या तो छोटी छोटी लाइन दिखाई दे रहा है, ये पैराबोलिक सार का ग्राफ बोलो या तो आप जो भी पैटर्न बोलो वो दिखाई दे रहा है। तो देखो ये वाला है। और भी एक चीज़ आपको ऐड करना है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे फिर से ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में और भाई यहाँ पर हम यूज़ करेंगे MACD, जो कि काफ़ी आसान है। तो MACD में आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पर जो पीरियड दिया गया है वो आपको सेम एज इट इज़ रखना है, वहाँ पर कोई मॉडिफाई करना नहीं है। तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं अप्लाई। तो ये हो गया। अभी देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर पैराबोलिक सार का दिखाई दे रहा है और भाई नीचे की साइड में जो है वो आपको यहाँ पर MACD का दिखाई दे रहा है। अभी आपको किस तरह से सिग्नल समझना है वो एक बार आप समझ लो और भाई किस तरह से ट्रेड करना करना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं आपको पैराबोलिक सार का समझा देता हूँ, जो कि काफ़ी आसान है। तो देखो, अगर पैराबोलिक सार यानी कि ये छोटी लाइन या तो छोटा डॉट आप जो भी बोलो, वो कैंडल के नीचे फॉर्म हो रहा है, लाइक यहाँ पर देखो इस तरह से एक कैंडल चल रहा है और इसके नीचे फॉर्म हो रहा है, यानी कि ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड जा रहा है। लाइक आप यहाँ से देखो कि मतलब यहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था नीचे की साइड में, ये कैंडल इसके नीचे पैराबोलिक सार, फिर ये कैंडल इसके नीचे ये पैराबोलिक सार। तो इस तरह से अगर नीचे की साइड में फॉर्म हो रहा है तो ये ट्रेंड ओवरऑल जो है वो अप की साइड में जा रहा है। भले ही छोटा मोटा यहाँ पर रेड कैंडल हो जाए वो दिक्कत नहीं, बट ओवरऑल ट्रेंड जो अप की साइड में जा रहा है। और अगर यहाँ पर कैंडल के ऊपर फॉर्म हो रहा है, लाइक इस तरह से आप देखो, यहाँ से यहाँ कैंडल था इसके ऊपर, फिर यहाँ पर डाउन ट्रेंड, इस तरह से अप, यहाँ पर डाउन, फिर यहाँ पर अप की साइड में यहाँ पर ये पैराबोलिक सार फॉर्म हुआ है तो डाउन। मतलब अगर यहाँ पर कैंडल की ऊपर की साइड में पैराबोलिक सार का फॉर्म हो रहा है तो ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। अब देखो कितने लंबे टाइम तक ये डाउन ट्रेंड में रहा। तो ये हो गया पैराबोलिक सार का। अभी यहाँ पर मैं आपको MACD का समझा देता हूँ। MACD में क्या है कि आपको दो टाइप का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको छोटी छोटी ग्रीन रेड कैंडल भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको दो लाइंस भी दिखाई दे रहा है। आप देखो यहाँ पर आपको एक येलो लाइन दिखाई दे रहा है और एक रेड लाइन दिखाई दे रहा है। अभी मेन बात क्या करना है कि यहाँ पर अगर येलो लाइन जो है वो ऊपर की साइड से नीचे की साइड रेड लाइन को क्रॉस करता है तो आपको यहाँ पर डाउन ट्रेड लेना है एक या तो दो मिनट का, मैक्सिमम आप 3 मिनट का ले सकते हो, उससे ज़्यादा मत लेना, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपको ये लाइंस नहीं देखना है, आपको ये वाला जो ग्रीन या तो रेड कैंडल दिखाई दे रहा है वो देखना है, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि यार देखो यहाँ पर जीरो वाली लाइन आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो ये वाली जो व्हाइट लाइन है इसके ऊपर ये वाली जो लाइन्स फॉर्म हो रहा है, यानी कि ओवरऑल अप ट्रेंड हो रहा है। अगर यहाँ पर ये जो जीरो वाली यानी कि जो व्हाइट पतली सी व्हाइट लाइन है इसके नीचे यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये वाली कैंडल्स छोटी छोटी जहाँ पर मेरा एरो घूम रहा है, अगर ये लाइन के नीचे हो रहा है तो आपको यहाँ पर डाउन ट्रेड लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन्स है येलो और रेड
तो इसको यूज़ कर सकते हो, या तो ग्रीन या रेड वाला ऊपर जो कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको यूज़ कर सकते हो, और पैराबोलिक सार का भी आपको देखना है। अभी आपको दोनों एक साथ सिग्नल मिले उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है, तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे कि हमें जब अच्छा सिग्नल मिलेगा उसके बाद में आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। या तो हमें यहाँ पर कुछ सिग्नल देखने को मिलेगा कि येलो लाइन जो है रेड लाइन को ऊपर की साइड से नीचे की लाइन नीचे की साइड में क्रॉस करेगा तो हम डाउन ट्रेंड लेंगे एक दो या तीन मिनट का। अगर ये थोड़ा अप जाता है तो अप ट्रेड भी लेंगे, हम थोड़ा वेट कर लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंडिकेशन हमें मिल गया है। तो पैराबोलिक सार में जो ऊपर की साइड में काफ़ी सारे डॉट्स है, तो लाइन आप बोलो ये फॉर्म हो चुका है। और भाई यहाँ पर देखो, येलो वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे की साइड आ गया है, और यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल्स भी रेड डाउन के साइड में प्लेस हो चुका है। तो हम थोड़ा सा लेट है, बट हम यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रेड लेंगे, मैं एक मिनट का ट्रेड लूँगा शायद। तो अभी 10:44 हुआ है, तो ओके मैं 10:46 तक का एक डाउन ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक डाउन ट्रेड प्लेस किया है 1500 का। तो अभी देखते हैं कि ये डाउन में आता है या तो अप की साइड में जाता है, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, काफ़ी सारी कैंडल्स जो है डाउन की साइड आ चुके हैं, ऑलमोस्ट हम 3 या तो 4 मिनट लेट हो चुके हैं। बट फिर भी देखना रहा कि आने वाली 2 मिनट तक ये डाउन में रहेगा या तो अप की साइड में जाएगा। मेरे को लगता है थोड़ा बहुत अप जाके फिर से डाउन आने का होएगा। तो अभी हम देख लेते हैं हमारा ट्रेड में कितना सा टाइमिंग बाकी है। तो हमारे ट्रेड में 47 सेकंड्स जितना टाइम बाकी है, और ये काफ़ी नज़दीक है। तो देखो 2745 का प्रॉफिट में चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा अप डाउन हो रहा है, बट मेरे को लगता है डाउन में आएगा, मतलब क्लियर सिग्नल है। पैराबोलिक सार में भी ऊपर की साइड में फॉर्म हुआ है, यानी कि डाउन ट्रेड ये शो कर रहा है। और भाई यहाँ पर ऊपर की साइड से नीचे की साइड क्रॉस किया है, और यहाँ पर कैंडल जो है रेड वाली वो भी डाउन की साइड में फॉर्म हुआ है, यानी कि दोनों ही स्ट्रेटजी में हमें इंडिकेशन मिला है कि डाउन की साइड में जाएगा। इसीलिए हमने 1.5 या तो 2 मिनट का डाउन ट्रेड लिया है। आप चाहो तो 1-2 मैक्सिमम 3 मिनट तक का डाउन ट्रेड ले सकते हो, उससे ज़्यादा लोगे तो शायद रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अभी हमारे ट्रेड में 12 सेकंड जितना टाइम बाकी, 11 सेकंड्स, और आप देखो ये सारे ट्रेड जो है मैं इसी से प्रॉफिट करता हूँ। तो थोड़ा बहुत बीच में लॉस हो गया, बट देखो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मैं कंटिन्यूस ले रहा हूँ। तो अभी हमारे ट्रेड में सिर्फ 3 सेकंड्स 1 सेकंड जितना टाइम बाकी, और देखो क्लियर प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। तो हमारा ट्रेड जो है प्रॉफिट हो चुका है, देखो यहाँ पर भी इंडिकेशन आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो देखा इसी तरह से हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कर लिया, और हमारा बैलेंस भी अपडेट हो गया। तो बीच में वीडियो बनाते बनाते मैं थोड़ा ट्रेड कर रहा था, तो थोड़ा सा बैलेंस अप डाउन हो चुका है, बट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मैं ले रहा हूँ पिछले काफ़ी टाइम से। आप देखो कितना अच्छा कंटिन्यूस प्रॉफिट जा रहा है, लाइक देखा आपने ये वाला आप पोर्शन देखो कि मतलब कंटिन्यूस प्रॉफिट ले रहा हूँ। बीच में 2-3 ट्रेड जो लॉस में चला गया, बट कोई दिक्कत है नहीं, ओवरऑल तो हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो इसी तरह आपको भी यहाँ पर ट्रेड लेना है, यहाँ पर आपको पैराबोलिक सार देखना है और MACD में देखना है कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। काफ़ी इजी स्ट्रेटजी है, सबसे पहले आप जाके डेमो अकाउंट में ट्राई करना, और अगर अभी तक बिनोमो ज्वाइन नहीं किया है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। आई होप कि जो भी मैंने आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई जल्दी से ये वाली स्ट्रेटजी सबसे पहले तो डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप यूज टू हो जाए, उसके बाद ही आप लाइव अकाउंट में शिफ्ट होना। और अभी तक यहाँ पर बिनोमो ज्वाइन नहीं किया तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना, प्रैक्टिस करो। और कमेंट जरूर से करना कि बिनोमो के ऊपर और भी आपको वीडियोस चाहिए, और भी स्ट्रेटजी वीडियोस चाहिए, तो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा, आपको कमेंट जरूर से करना है और ये वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो भाई चलो मिलते हैं इसकी और कोई वीडियो में।